बस लेते हुए ना फिर मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार। सागर नया सागर कोई ले ले मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। हर दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। अरे महबूब का जो बस लेते हुए ना ए मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार। आंखें किसी से न उलझ जाए मैं डरता हूँ यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। आंखें किसी से न उलझ जाए मैं डरता हूँ यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। बस दूर ही से करके सलाम। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। हर महबूब का जो बस लेते हुए ना ए मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार। थैंक यू। मी फक्त तुमच्यासमोर तुमचा आशीर्वाद मला घ्यायचा। मी खाली येऊ शकतो का? बहुत खूब आलोक साहब बहुत बढ़िया। नहीं है जाइए जाइए आप आशीर्वाद लेकर आइए। पहले हमारा तो ऑन एयर आशीर्वाद मिल रहा है। हम सुनहरे दौर की बात करते हैं सुनहरे दौर के कलाकारों के बारे में बात करते हैं तो कोई एक कलाकार नहीं आता सामने पूरा युग सामने चला आता है। ये वो जमाना था जहां पर एक बड़े सख्त मिजाज संगीतकार थे म्यूजिक डायरेक्टर थे और उस जमाने में मास्टर जी कहा जाता था म्यूजिक डायरेक्टर्स को। नाम इनका सज्जाद हुसैन साहब। अब सज्जाद हुसैन साहब की रिकॉर्डिंग में कोई पहुंचे और जल्दी से रिकॉर्डिंग हो जाए ये ऐसा मुमकिन होता नहीं था। और कई मरतबा किशोरदा भी फंसे उनकी रिकॉर्डिंग में भी कैसे गाना गाऊं क्या ना गाऊं बड़ी मेहनत कराते थे। अब आशा जी हमारी आशा ताई आशा भोसले जी का सामना हुआ सज्जाद हुसैन साहब से तो देखिए क्या तरीका होता है। वहाँ गई और जाके कहा कि मास्टर जी मुझे गाना आता नहीं है मुझे बच्चे पालने में कोशिश कर रही हूँ गाने की अगर आप चिल्लाएंगे तो मैं गा नहीं पाऊँगी। अब सज्जाद हुसैन साहब मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा मैं क्यों चिल्लाऊंगा जब तुम्हें आता ही नहीं है तो मैं सिखाऊंगा ना तुम्हें। और फिर आराम से रिकॉर्डिंग होती थी। अच्छा ताई बराबर बोल रहा हूँ एकदम सही बात बोल रहा हूँ। मास्टर सज्जाद हुसैन साहब का एक किस्सा सुनाया और अब
ये गाना जो है ये थोड़ा अजब गाना है, फरीदा जलाल जी पे पिक्चराइज हुआ था और हेमा जी साथ में थी। फिल्म का नाम मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप जब गाना सुनोगे तो समझ जाओगे। और शैलजा जी आप आ रही हैं मंच पर इस गाने के लिए, बिल्कुल आई शैलजा जी, आप नमस्कार करें, आशा दाई को आशीर्वाद लें। यह हमारा सौभाग्य है कि आपके सामने हमारे से कलाकार जो हैं परफॉर्म कर पा रहे हैं। और अब जो गाना है उसमें बड़ा दिल की बात होने वाली है और दिल की बेचारगी के बारे में बात होने वाली है, और इसके बारे में अगर बोलूँगा तो फिर पूरा गाना मैं ही नरेट करने लगूँगा। शैलजा जी आपके हवाले अब स्टेज है, ये गाना आप हमारे सामने पेश करें। नहीं दादा नहीं खाऊंगा, खा लेना, हाँ ना केला खा लेना।
तो साहिर साहब ने कहा मना नहीं करना अच्छा नहीं लगता, तो साहिर साहब ने कहा हाँ दादा खा लूंगा, पैसे बर्मन बहुत एक सामने बिक रहा है खरीद के खा ले। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ संजीत जी के साथ ही संगीत बना है, बड़ी मौज मस्ती के साथ संगीत बना है, और अगर हृदय में मस्ती नहीं है तो फिर संगीत कैसे आएगा सामने से। मधु साहब का लिखा ये गाना अब हमारे सामने आने वाला है, आज की शाम का ये पहला दो गाना है, फिल्म का नाम बुढ़ा मिल गया पर गाना बहुत जवान है।
तालियों में और जोश आ सकता है। देखिए कलाकार क्या चाहता है, तालियां और पेमेंट दोनों चाहते हैं। देखिए ये बहुत बड़े संजोग से ये बात होती है कि एक ही ऑडिटोरियम में एक से बढ़कर एक विभूति साथ में मौजूद हो, और ये हमारी खुश नसीबी है कि हम इस शाम को विटनेस कर रहे हैं, इससे साक्षी हम हैं। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र और एक्स ऑनरेबल होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माननीय श्री सुशील कुमार शिंदे जी का उन्हें साहब जोरदार ताली में स्वागत किया गया। और एक ऐसी हस्ती जिन्होंने सिर्फ सुनहरा दौर बनते हुए देखा ही नहीं है, बल्कि उस सुनहरे दौर में इंक पर इंक उस दौर को बनाया है और आज भी उसे जिंदा रखा है। सभी की प्रेरणा आशा ताई आशा भोसले जी, और मराठी के मशहूर मारूफ संगीतकार यशवंत देव साहब हमारे बीच हैं, जोरदार तालियों का उनका अभिनंदन किया जाए। आज वो आरी बर्मन अवार्ड से उन्हें नवाजा भी जाएगा, ये अवार्ड के विनर भी हैं यशवंत देव साहब। साथ ही हमारे पेट्रनशिप आतुक सेना के अध्यक्ष हाजी अरफाज शेख साहब हमारे बीच मौजूद हैं, जोरदार तालियों का अभिनंदन। एमएलए संजय पोटनिस साहब, एमएलए मंगेश कुडलकर साहब हमारे बीच हैं, इन दोनों का हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। हार्दिक कुंडिया साहब जो एडिटर हैं हीरा माणिक पेपर के, उनका हम जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे आज, वो भी हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। यकीनन कुछ ना कुछ तो सूक्ष्म दशाएं मिली होंगी तभी ऐसी शाम हमारे सामने आई है, और संगीत भी एक अलग रंग भर रहा है। तो आप दोनों यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं, इसका इशारा साफ है, इसका मतलब साफ है कि मैं चलता हूँ, आप गाइए। Thank you.